Hello students, this is Savariya sir, your English teacher. Today I am going to explain you chapter 2, the diamond necklace of your book. Diamond necklace is a short story written by French writer G.D. Maupassant. The story was first published in 1884 in the French newspaper. This story is about the irony of the fate in the life of a woman called Mathilde Loisel. Ye जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी है किस पे बेस्ड है, एक लड़की पे जिसका नाम है मैथिल्ड लॉयसेल और उसके जीवन की विडंबना, उसके जीवन की सच्चाई पे बेस्ड है ये शॉर्ट स्टोरी. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैथिल्ड लॉयसेल वॉज अ ब्यूटिफुल यंग लेडी. शी वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली. शी वॉज वेरी एम्बिशियस. ठीक है, वो एक ब्यूटिफुल है, यंग है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक मिसफॉर्च्यून है उसके लिए वो क्या है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, एक मिडिल क्लास फैमिली में. She was very ambitious. वो बहुत उच्चाकांक्षी है, बहुत ambitious है. She thought that she had nothing to feel proud. वो सोचती है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे वो क्या कर सके, गर्व कर सके. It was not possible for her to marry a rich man. और ये भी जानती है कि अब मेरे लिए ये possible नहीं है कि मेरी शादी एक अमीर घराने में हो, एक अमीर लड़के से हो, क्योंकि मैं खुद एक middle class को belong करती हूँ. और ऐसा ही होता है. So she got married to a clerk. तो उसकी शादी किससे होती है, एक क्लर्क से जिसका नाम है मिस्टर लॉयसेल. मिस्टर लॉयसेल वॉज अ क्लर्क वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. ठीक है, मिस्टर लॉयसेल कहाँ काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, और वहाँ पे वो क्या है, एक क्लर्क है. मैथिल्ड बीइंग हाईली एम्बिशियस वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट लीड अ लग्जीरियस लाइफ. शी हैड टू वेयर सिंपल क्लोथ्स एंड हैड टू लिव इन अ अपार्टमेंट विथ शेबी वॉल्स एंड शेबी फर्नीचर एंड कर्टन्स. ठीक है, तो लग्जरियस लाइफ नहीं है, ऐसे ऑर्डनरी घर में रह रही है, एक अपार्टमेंट में शेबी वॉल्स हैं, शेबी फर्नीचर हैं, कर्टन्स हैं. शी वॉज जेलिस ऑफ हर ओन स्कूलमेट्स हु वर रिच. और वो हमेशा जेलिस फील करती है अपने स्कूलमेट्स से जो क्या थे, अमीर थे. शी फेल्ट स्मॉल एंड वुड वीप आफ्टर विजिटिंग देम. वो बहुत छोटा फील करती है जब उनसे मिलती है, और जब कभी भी उनसे मिलती है तो अपने उस दुर्भाग्य पे रोती भी है. वन डे हर हस्बैंड ब्रॉट हर एन इनविटेशन कार्ड. एक दिन उसका जो हस्बैंड है मिस्टर लॉयसेल उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है. बट शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड नो गुड एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स टू वेयर ऑन दिस ओकेजन. लेकिन वो खुश नहीं है उस इन्विटेशन कार्ड को देख के, क्योंकि उस इन्विटेशन कार्ड में एक बॉल पार्टी का इनविटेशन है, एक डांस पार्टी का इनविटेशन है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मिनिस्टर्स आने वाले हैं और जितने भी हाई प्रोफाइल पेस्ट्री के जो लोग होते हैं वो सब आने वाले हैं. लेकिन वो खुश नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज उसके पास क्या नहीं है, कुछ ऐसा पहनने के लिए क्लोथ नहीं है जो उस ओकेजन के लिए मैच हो. सो हर हस्बैंड अरेंज्ड टू बाय अ गाउन फॉर हर 400 फ्रांसिस. तो उसका हस्बैंड इतना अच्छा है कि उसके इस रीज़न को देखते हुए वो उसके लिए एक इवनिंग गाउन खरीद के लाता है. और वो कितने का है, 400 फ्रांसिस. फ्रांसिस वहाँ की करेंसी है. ही हैड सेव दिस मनी टू बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ. उसने पैसे जमा किया था खुद के लिए, क्योंकि उसे क्या खरीदना था, एक गन खरीदना था. एज द डेट फॉर द पार्टी केम नियर शी लुक्ड सैड अगेन. अब जैसे ही नज़दीक आ रही है पार्टी की डेट, वो फिर से दुखी दिखाई देने लगती है. इट वॉज बिकॉज शी हैड नो ज्वेलरी फॉर दिस ओकेजन. अब वो क्यों दुखी है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उस ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी नहीं है. शी थॉट दैट शी वुड बी कंसिडर्ड अ पुअर लेडी इन द पार्टी. और वो कहती है कि अगर मैं बिना ज्वेलरी के जाऊंगी उस ड्रेस में तो सब लोग समझेंगे कि मैं क्या हूँ, बहुत गरीब हूँ. हर हस्बैंड एडवाइज्ड हर टू बोरो सम ऑर्नामेंट्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर. अब उसका हस्बैंड उतना अमीर तो नहीं है कि उसके लिए आप नेकलेस भी ला के दे दे, तो उसको एक एडवाइस देता है, एक आइडिया देता है कि भाई तुम एक काम करो, अपनी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के पास जाके बोरो, मतलब उधार में एक नेकलेस लेके आ जाओ, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो हम उसे लौटा देंगे. पुअर लॉयसेल लाइक्ड दिस सजेशन. लॉयसेल का ये सजेशन उसे बहुत पसंद आता है. नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड बोरोड अ डायमंड नेकलेस. और अगले ही दिन वो अपने फ्रेंड के घर जाती है मैडम फॉरेस्टर के यहाँ, और वहाँ से क्या लेके आती है, एक डायमंड नेकलेस उधार लेके आती है. शी अटेंडेड द बॉल विथ हर हस्बैंड एंड एवरीवन वाज पेइंग अटेंशन टू हर. अब जैसे ही वो उस पार्टी में जाती है सभी लोग उस पर क्या दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज शी इज लुकिंग
गॉर्जियस, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है. शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल द वुमेन प्रेजेंट देयर. वहाँ पर जितने भी वुमेन प्रेजेंट थी उन सभी वुमेन में सबसे प्रीटीएस्ट, सबसे खूबसूरत जो है वो कौन है? मैथिल्ड है. ऑल द मैन वर फैसिनेटेड विथ हर चार्म. सभी लोग मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, खो गए हैं उसकी ब्यूटी को देख के, उसके चार्म को देख के. ठीक है, दे वॉन्टेड टू बी इंट्रोड्यूस टू हर. वो चाहते हैं कि वो उससे बात करें. ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर टू डांस विथ हर. और मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिशियल्स लोग आए हैं वो भी अपनी इच्छा जताते हैं कि हमें उसके साथ क्या करना है, डांस करना है. इवन द मिनिस्टर टुक नोटिस ऑफ हर. जो मिनिस्टर, जो मंत्री भी आया है वो भी उस पर ध्यान देता है. शी वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड हैप्पी. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस सब चीज़ों से, बहुत खुश है कि सब लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं. शी डांस्ड विद पैशन. बहुत पैशन के साथ डांस करती है वो. शी फॉरगॉट एवरीथिंग इन द विक्ट्री ऑफ हर ब्यूटी. वो सब कुछ भूल जाती है. उसे सिर्फ क्या याद रह जाता है कि उसकी सुंदरता की क्या हुई है, आज जीत हुई है. बिकॉज सभी लोग क्या दे रहे हैं, उस पर अटेंशन दे रहे हैं, उसे खूबसूरत जान रहे हैं. एंड फेल्ट इलेटेड ओवर हर सक्सेस. ठीक है, इलेटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होना, प्रसन्नचित होना, और बहुत खुश हो रही है अपनी इस जीत से. शी डांस्ड एंड डांस्ड इन द हॉल टिल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. और वो डांस करती है, डांस करती है, और सुबह के 4 बज जाते हैं डांस करते हुए. इतना अधिक डांस करती है वो कि सुबह के 4 बज जाते हैं. स्ट्रेंज. वैन शी हैड फिनिश्ड. और जब उसका डांस खत्म होता है, हर हस्बैंड थ्रू द मोडेस्ट शॉल ही हैड ब्रॉट फॉर हर. और बहुत शालीनता के साथ उसका हस्बैंड एक शॉल उसे ओढ़ाता है और बोलता है, कम डियर लेट्स गो होम. चलो डियर अब घर चलते हैं, बहुत हो गया डांस. आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुँचने के बाद, शी स्टूड बिफोर द मिरर. अब भाई घर पहुँच गई है लेकिन फिर भी वो अपनी जीत को दोबारा देखना चाहती है, तो वो कहाँ जाती है? बिफोर द मिरर, मिरर के सामने, आईने के सामने खड़ी हो गई है वो. शी वॉन्टेड टू सी हर सेल्फ वंस मोर इन ऑल हर ग्लोरी. अब अपनी ग्लोरी को, अपनी उस जीत को फिर से देखना चाहती है. हाउ एवर शी वॉज शॉक्ड टू सी दैट देयर वॉज नो नेकलेस अराउंड हर नेक एंड देन क्राइड इन डिसमे. लेकिन तभी उसे एक शॉक लगता है. और वो क्या शौक रहता है कि उसके गले में जो नेकलेस उसने पहना था वो वहाँ से गायब है. और वो रोने लगती है, क्राइड इन डिसमे. डिसमे मतलब होता है निराश होकर वो क्या होने लगती है, रोने लगती है. मैथिल इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस. वो अपने हस्बैंड को बताती है कि भाई मैंने नेकलेस खो दिया है. हर हस्बैंड वॉज बिलवर्ल्डर्ड. ठीक है, उसका जो हस्बैंड है वो भी घबरा जाता है, बिलवर्ल्डर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो गया हमारे साथ. दे लुक्ड फॉर द नेकलेस एवरीवेयर बट ऑल इन वेन. वो हर जगह देखते हैं नेकलेस को लेकिन सब व्यर्थ जाता है. मिस्टर लॉयसिल वेंट आउट टू सर्च इन ऑन द वे. अब मिस्टर लॉयसिल घर के बाहर जाते हैं और सड़क पे, जिस राह पे चलते हुए वो घर आए थे उस रास्ते में जाते हैं दोबारा, और सड़क में देखते हुए चल रहे हैं कि भाई कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया नेकलेस. शी वॉज वेटिंग इन हर बॉल ड्रेस. और वो घर में अपने उसी ड्रेस में, जिस बॉल ड्रेस में वो गई थी उसी ड्रेस में इंतज़ार कर रही है अपने हस्बैंड का. शी हैड नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट टू गो ऑन बेड. हर हस्बैंड रिटर्न्ड एट अबाउट 7 o'clock बट ही कुड नॉट फाइंड द नेकलेस एनीवेयर. अब भाई 4:30 बजे का निकला उसका हस्बैंड सड़क में ढूंढता हुआ, 7 बजे सुबह पहुँचता है लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहता है, उसे नेकलेस नहीं मिलता. अब क्या करें? तो ऑन द एडवाइस ऑफ हस्बैंड, अपने हस्बैंड के एडवाइस लेती है फिर से वो. मैथिल रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर. तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के एडवाइस से मैडम फॉरेस्टर को एक और लेटर लिखती है. वो क्या लिख रही है लेटर में? सेइंग दैट द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस वॉज ब्रोकन. क्लैप्स मतलब होता है बक्कल होना, उसको जो हुक है वो टूट गया है. ठीक है, सो इट हैड बीन सेंड फॉर रिपेयर. तो उसे कहाँ भेजा गया है? रिपेयरिंग के लिए. इन दिस वे दे गॉट सम टाइम टू बाय अनदर डायमंड नेकलेस. तो इस तरह से क्या हो गया है, उन्हें एक और डायमंड नेकलेस बिल्कुल सेम वैसा ही लेने का टाइम मिल जाता है. आफ्टर गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अदर एट लीस्ट दे फाउंड अ नेकलेस सिमिलर टू द लॉस्ट वन. दुकान दुकान जाते हैं, बहुत ढूंढते हैं, और तभी बिल्कुल सेम वैसा ही डायमंड नेकलेस उन्हें एक शॉप में दिखाई देता है. द शॉपकीपर डिमांडेड 40,000 फ्रांसिस एज इट्स प्राइस. और उसकी प्राइस क्या बताता है शॉपकीपर? 40,000 फ्रांसिस. द बार्गेन फाइनली वॉज सेटल्ड फॉर 36,000 फ्रांसिस. बार्गेनिंग करते हैं,
तो बार्गेनिंग करने पे जो प्राइस सेटन होता है वो क्या होता है, 36,000 फ्रांसिस। मैथिल्स हस्बैंड हैड ओनली 18,000 फ्रांसिस विथ हिम, उसके पास सिर्फ कितने हैं, 18,000 फ्रांसिस ही हैं। ही बोरोड द रिमेनिंग 18,000 फ्रांसिस ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बाकी 18,000 फ्रांसिस जो है वो बहुत ऊंचे हाई इंटरेस्ट पे वो उधार लेता है। दे बॉट द नेकलेस एंड सेंट इट टू मैडम फॉरेस्टर, वो उस नेकलेस को खरीदते हैं और उसे वापस लौटा देते हैं। और शी डिड नॉट केयर टू सी इट, लेकिन मैडम फॉरेस्टर कुछ केयर नहीं करती है, बस उसे लेके रख लेती है कि भाई नेकलेस टूटा था, कहाँ टूटा, कैसे टूटा, उसे देखने की उसे फिक्र नहीं थी, उसने बस लिया और एक सिंपल वे पे उसने उसे वहाँ पर वापस रख दिया अपने घर पे। अब यहाँ से ट्रेजेडी है, मिस्टर लॉयसेल और मैथिल के लाइफ में। नाउ अ लाइफ ऑफ हार्डशिप बिगेन फॉर मैथिल एंड हर हस्बैंड, अब एक हार्डशिप, एक बहुत कठिनाई भरा जीवन शुरू हो चुका है मैथिल का और उसके हस्बैंड का। शी हैड टू पे ऑफ द डेबिट ऑफ 18,000 फ्रांसिस, अब उन्हें बाकी के 18,000 फ्रांसिस जो उन्होंने बहुत हाई इंटरेस्ट में उधार लिए हैं अब वो उन्हें चुकाना है। फॉर दिस दे हैड टू शिफ्ट टू अ वेरी चीप रूम, अब जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे उससे भी चीपेस्ट रूम में अब वो रह रहे हैं। दे रिमूव द सर्वेंट, उन्होंने नौकर को भी निकाल दिया है। नाउ मैथिल डिड द हाउस होल्ड वर्क हिमसेल्फ, अब हर सेल्फ खुद वो अपना काम कर रही है घर का। शी फेच्ड वाटर, वॉश द फ्लोर ऑफ द हाउस, यूटेंसिल्स एंड डर्टी क्लोथ्स ऑल बाय हर सेल्फ, अब पानी भर के लाना, फ्लोर को साफ करना, बर्तन को साफ करना, डर्टी क्लोथ्स धोना, सब कुछ कौन कर रहा है, मैथिल कर रहा है। शी डिड शॉपिंग बाय हर सेल्फ, अब खुद बाजार जाती है, ग्रोसरी लेना हो, वेजिटेबल्स लेना हो, सब कुछ कौन खरीद रही है, अब मैथिल खरीद रही है क्योंकि उन्होंने नौकर को निकाल दिया है। हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग एंड लेट एट नाइट टू पे बैक 18,000 फ्रांसिस, और उसका हस्बैंड भी बहुत मेहनत कर रहा है, दिन में तो काम करता ही है लेकिन ओवर टाइम काम कर रहा है शाम को भी, ताकि उसे जल्दी से जल्दी थोड़े ज़्यादा पैसे मिल पाए और बाकी के जो पैसे उन्होंने उधार लिया है वो उसे चुका सके। और यहाँ से उनकी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है और 10 साल बीत जाते हैं। दे हैड पेड द एंटायर अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल तक वो इस पीड़ा को सहते हैं, इस दुख को सहते हैं और बाकी के 18,000 फ्रांसिस वो चुकाते हैं। बट मैथिल हैड टू पे अ हैवी प्राइस फॉर इट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैवी प्राइस पे किया है वो किसने किया है, मैथिल ने। शी लुक लाइक एन ऑर्डनरी वुमेन, और अब वो एक जो ब्यूटीफुल यंग गर्ल लिखती थी अब वो वैसे नहीं दिखाई दे रही है, अब वो कैसे दिखाई देती है, एक ऑर्डनरी वुमेन, एक साधारण महिला दिखाई देती है वो। शी लुकड ओल्ड नाउ, अब हल्की सी बूढ़ी दिखाई देने लगी, रिंकल्स वगैरह आ गए उसके फेस में। शी वॉज नाउ अ टफ एंड रफ वुमेन, और अब बहुत टफ और रफ वुमेन हो चुकी है वो, मतलब उसका जो नेचर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वन संडे मैथिल वेंट आउट टू टेक अ वॉक, अब एक दिन क्या होता है, मैथिल वॉक में निकलती है शाम के टाइम। शी सॉ मैडम फॉरेस्टर देयर एंड वेंट अप टू हर, अब वहाँ पे उसे वही फ्रेंड मिलती है जिससे उसने क्या लिया था, डायमंड नेकलेस लिया था, जिसका नाम क्या बताया था, गया था आपको मैडम फॉरेस्टर, उसके पास जाती है उससे बात करने के लिए। मैडम फॉरेस्टर वॉज सरप्राइज टू सी हर सो मच चेंज, वो देखती है और पहचान नहीं पाती कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो। मैथिल टोल्ड हर दैट शी हैड टू लीड अ वेरी टफ लाइफ एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ हर, वो कहती है कि हमें बहुत ही टफ लाइफ जीनी पड़ी और इसका कारण मैं हूँ। मैडम फॉरेस्टर वॉज पजल्ड टू हियर इट, मैडम फॉरेस्टर बहुत पजल हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है। देन मैथिल एक्सप्लेन टू हर हाउ शी हैड लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस एंड हैड टू पे एंड बाय अनदर फॉर 36,000 फ्रांसिस टू रिप्लेस इट, अब वो बताती है कि किस तरह से हमने तुम्हारा डायमंड नेकलेस खो दिया था और वैसा ही डायमंड नेकलेस हमें 36,000 फ्रांसिस में लेना पड़ा और उसी कि उधारी को चुकाने के लिए हमें ये कठिनाई भरा जीवन जीना पड़ा और इसलिए मेरे में इतने सारे चेंजेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। इट हैड टेकन देम 10 years टू पे फॉर इट, और 10 साल लगे हमें इसे पे करने में। मैडम फॉरेस्टर वॉज मूव्ड टू हेयर मैथिल्स ट्रेजिक स्टोरी, शी रिवील्ड टू मैथिल दैट हर नेकलेस, अब देखेंगे यहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है हम सभी को, स्पेशली मैथिल को, रिवील करती है, सच्चाई सामने लाती है मैडम फॉरेस्टर मैथिल के सामने, और वो क्या बोलती है, हर नेकलेस वॉज वर्थ ओनली 500 फ्रांसिस, कि उसका जो डायमंड नेकलेस तुमने मुझसे उधार लिया था वो सिर्फ कितने रुपए का था, 500 रुपए फ्रांसिस का, 500 फ्रांसिस का था वो।
एंड द डायमंड्स वर आर्टिफिशियल एंड नॉट रियल, और वो डायमंड्स आर्टिफिशियल थे, वो रियल डायमंड नेकलेस नहीं था, वो सिर्फ 500 फ्रांसिस का था, वो 36,000 या 40,000 फ्रांसिस का नहीं था। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये न्यूज़, ये शॉकिंग न्यूज़ मिलने के बाद मैथिल और उसके हस्बैंड लॉयसेल के चेहरे में क्या रिएक्शन आया होगा, आप लोग खुद सोचिए। अब उसके हस्बैंड ने क्या ट्रीट किया होगा अपनी वाइफ के साथ, या फिर वैसे ही पोलाइटनेस दिखाया होगा जैसा अभी तक हमने स्टोरी में देखा है। देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिस्टर लॉयसेल का कैरेक्टर स्केच है। मिस्टर लॉयसेल जो उसका हस्बैंड है, जो हमेशा कूल रहता है, काम रहता है, चाहे कोई सी भी कंडीशन जाए, हमने भी चैप्टर में देखा बहुत सारी सिचुएशंस उसके सामने आई, लेकिन उसने बहुत ब्रेवली के साथ उसको फाइट किया, ठीक है। तो ये इसका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लॉयसेल, मिस्टर लॉयसेल का कैरेक्टर स्केच। तो ये थी स्टोरी, और क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगा, आप लोग ध्यान रखें, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उनको अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर वन इन्वोकेशन के भी क्वेश्चंस आप लिखेंगे कॉपी में, एसेज भी मैंने भेजे थे आपको, चारों एसेज तैयार करना शुरू करिए, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।